Hi everyone. हाय एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। मेरा नाम हीना वलेचा है और मैं दिल्ली से हूँ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो है टेंडर कोकोनट रोज मिल्क शेक। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए अमूल गोल्ड मिल्क, साथ में मैं ले रही हूँ अमूल वनीला आइसक्रीम। जस्ट कीप द साइड ओके। और उसके साथ हमें चाहिए एक ग्लास अमूल गोल्ड मिल्क, रोज सिरप, टेंडर कोकोनट के पीसेस, साथ में ये है मेरे पास रोज पेटल्स। अब बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे मिलके हम एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएंगे। और साथ में मैंने लिया है अमूल वेनिला आइसक्रीम। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बहुत ही रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक बनता है। तो यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर जार में सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें टेंडर कोकोनट। इसके साथ डाल दूंगी मैं 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। तो यहाँ पर ये मैंने वनीला आइसक्रीम ली है, तो 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम मैं इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। 1 स्कूप फुल भर के मैं इसमें डालूंगी वनीला आइसक्रीम। इसको हम रख देंगे। अब हम करेंगे इसमें हाफ, पहले मैं इसमें डालूंगी दूध, पूरा नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे। और जो टेंडर कोकोनट है इसको मैं करूंगी ब्लेंड। साथ में मैं डालूंगी 1 चम्मच रोज सिरप, ये हमने डाल दिया रोज सिरप। अब मैं करूंगी इसको ब्लेंड। यहां पर ग्राइंडर को थोड़ा सा आगे कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। तो आज हम बना रहे हैं, बहुत ही गर्मियों का मौसम है और ठंडा ठंडा एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना रही हूँ मैं, जिसको बना रहे हैं हम टेंडर कोकोनट अमूल गोल्ड मिल्क अमूल आइसक्रीम से। तो यहाँ पर जो ये टेंडर कोकोनट है इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और इसी में मैं डाल दूंगी और जो दूध हमने बचा कर रखा है वो भी मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। हमारा मिल्कशेक तो रेडी है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके लिए मैं अपने जो ग्लास है उसको प्रेप करूंगी। यहाँ पर मैंने, आप कोई भी ग्लास का, कोई भी ग्लास ले सकते हैं कांच का। तो यहाँ पर मैंने जो ग्लास है इसको मैं थोड़ा सा जो उसका रिम है ना इस पर मैं लगा दूंगी, ये जो रोज सिरप है इससे इसका एक बॉर्डर क्रिएट कर दूंगी इस तरीके से। आप देखेंगे एक ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोज सिरप लगा दूंगी इस तरीके से। आप बॉर्डर को पतला या मोटा अपने जैसा भी आपको पसंद है आप उस तरीके से डेकोरेशन करना चाहेंगे। तो
तो इस तरीके से मैंने हाफ इंच का एक बॉर्डर बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया है, रोज पेटल्स, ये ड्राई रोज पेटल्स हैं, आपको ये मैं घर में बनाती हूँ। रोज को जो देसी गुलाब मिलता है उसको हम छांव में अच्छे से सुखा लेते हैं धोकर, और ये हमारे जो रोज पेटल्स हैं ये रेडी हो जाते हैं। फिर मैंने इसको हल्का हल्का हाथ से क्रश कर लिया, बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर देता है। और अब मैं इसको ना जो ये जो हमने ग्लास पर सारा ये लगाया है रोज का, इस तरीके से मैं इसको इसमें इस पर स्टिक कर लूंगी रोज पेटल्स को, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा इस तरीके से। जब हम इसमें जो मिल्क शेक है इसको प्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, और बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही एरोमेटिक रोज का फ्रेश फ्लेवर आएगा इसमें। तो इस तरीके से मैंने जो ग्लास है इसको प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं इसमें पोर करूंगी ये मिल्क शेक को जो हमने बना लिया है, और इसको हम पोर करेंगे इस ग्लास में। इसमें टेंडर कोकोनट के फाइन पीसेस होंगे, और जो वेनिला क्रीम है उसकी क्रीमीनेस रहेगी। उसको टॉप करूंगी मैं एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम के साथ, इस तरीके से हम टॉप कर देंगे। अब देखेंगे कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। और थोड़ा सा जो रोज डस्ट है इसको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी, और साथ में थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा रोज सिरप से भी गार्निश कर दूंगी इस तरीके से। तो आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल ये हमारा जो रोज टेंडर कोकोनट रोज मिल्क शेक है वो रेडी हो गया है। आप इसको जरूर बनाएं और ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस और बहुत फ्रेश ये मिल्क शेक लगता है। गर्मियों का मौसम है और आप इसको गर्मियों के मौसम में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अब मैंने एक स्ट्रॉ डाल दिया, आप देखेंगे कितना अच्छा हमारा मिल्क शेक बनकर रेडी हो गया है। और आपके घर में कोई भी पार्टी है या कोई गेस्ट आए हैं तो आप उनको इस तरीके से सर्व करेंगे तो बहुत ही स्पेशल लगेगा। तो आई जस्ट सी किस किस ने ज्वाइन किया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। हेलो सोनिया जी, हेलो रिंकू जी, हेलो कोशिता जी। ओके कोशिता इज सेइंग यम, थैंक यू सो मच। डू ट्राई एंड लेट मी नो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बस आपको चाहिए टेंडर कोकोनट, अमूल मिल्क, और साथ में चाहिए अमूल आइसक्रीम और रोज सिरप। साथ में मैंने यहाँ पर एक स्पेशल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है ये रोज पेटल्स का, और जिसको मैंने इस तरीके से यूज किया है आप देखेंगे बहुत ही डिलिशियस ये जो मिल्क शेक है ये बनकर रेडी हुआ है। जरूर ट्राई करें, बहुत ही रिफ्रेशिंग है और समर्स में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा बॉडी को, बहुत कूलेंट इफेक्ट देगा। तो आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जिन सबने भी ज्वाइन किया है थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पर मैंने 2 स्कूप्स ऑफ वेनिला आइसक्रीम का यूज किया है एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क यूज किया है, 1 कप ऑफ मिल्क इस तरीके से, और साथ में लिया है रोज सिरप एंड रोज पेटल्स। तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन को, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है हीना वलेचा, HEENAVLECHA, और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आकर हम अपनी सारी रेसिपीज शोकेस कर सकते हैं और आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन। ओके रोज पेटल्स वो टेक्निकली ऐड पंच, यस रोज पेटल्स बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं और बहुत आप जब इसको सर्व करेंगे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत अच्छा फ्रेशनेस देगा ये, और बहुत ही अमेजिंग लुक तो आने ही वाला है। आप लोग जैसा देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये लग रहा है।
तो एक नॉर्मल मिल्क शेक को भी अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो एक स्पेशल आप बना सकते हैं किसी अपने स्पेशल के लिए। तो आप इस तरीके से जरूर जो भी अपना फूड आप बनाते हैं अच्छे से, स्पेशली अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए बनाते हैं तो आप अच्छे से प्रेजेंट करिए, तो एक उसमें एक अपना स्पेशल टच आ जाता है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।